नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय किचन। मैं हूँ शेफ सुनील सिंह। चिकन टिक्का मसाला कैसे बनाया जाता है अला कार्ट बेस में, तो बने रहे वीडियो के साथ। मेरे पास पड़ा है ये चिकन टिक्का है, इसको फास्ट मैरिनेशन करके रखा रहता है। अला कार्ट में हम लोगों के पास ऐसा रेड मैरिनेशन रहता है चिकन टिक्का के लिए, तंदूरी चिकन के लिए। ये जो बेसिक मैरिनेशन है रेड मसाले का, ये रेडी रहता है। जब भी हम चिकन टिक्का तंदूरी चिकन बनाते हैं तो इसको इस्तेमाल करते हैं कुछ इस तरह से। एक चम्मच लिया या जिसे आपसे रिक्वायरमेंट है मैरिनेशन का, उसको डालेंगे अच्छी तरीके से, इस तरह से मैरिनेट कर लेंगे। यू सी, कुछ इस तरीके से, ये आप देख सकते हैं इस तरह से। ये फर्स्ट मैरिनेशन पहले करके छोड़ा हुआ था, ये सेकंड मैरिनेशन में, ताकि सेकंड मैरिनेशन में अच्छे से जो मसाला है अच्छे से कोट हो पाए। वो चिकन टिक्का मसाले का ऑलरेडी मैंने दो वीडियो बनाया हुआ है, एक शायद पनीर टिक्का का मसाले का बनाया हुआ है। चिकन टिक्का ऑलरेडी मैंने दो वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, एक होम स्टाइल में, आप तवे पे ऐसे भी चिकन टिक्का आसानी से बना सकते हैं, और एक तंदूर में, जिसका मैंने बेसिक रेड मैरिनेशन का वीडियो बताया था, चिकन टिक्के का वीडियो बताया हुआ है जो बेसिक है। उसमें फर्स्ट मैरिनेशन कैसे किया जाता है, उसके बाद सेकंड मैरिनेशन कैसे किया जाता है, कितना देर तंदूर में सेका जाता है, आप वहां से डिटेल ले सकते हैं। तो दोनों वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप वहां से जाके जरूर चेकआउट कर लिए। ये हो गया सेकंड मैरिनेशन में, इसको एक बार सरिये में लगा के आपको दिखा लेता हूँ। चिकन टिक्के के पीस लिए, कुछ इस तरीके से इसको लगा लेना है, काफ़ी आसान होता है। यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान देने वाली बात है कि ये लेग पार्ट है चिकन का, थाई बोनलेस या लेग बोनलेस रहता है ना, उसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हम लोग कबाब वगैरह में, चिकन टिक्का वगैरह जो भी हम लगाते हैं। ब्रेस्ट पार्ट थोड़ा जल्दी ड्राई हो जाता है, बट नो प्रॉब्लम, अगर आप चाहिए तो ब्रेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा कोई बेसिक रूल नहीं है। हाँ, ये है कि वो थोड़ा जल्दी ड्राई हो जाता है तो वो जूसीनेस नहीं रहता है ना, तो इस चीज़ से ध्यान रखना पड़ता है। तो कुछ इस तरीके से इसको अच्छे से पिरो लेंगे सरिया में, जैसे कि मैं कह रहा हूँ। और इस तरह से सरिया में लगाने के बाद आधा इंच का गैप रखें बिटवीन द पीसेस का, जैसे कि मैं अक्सर कहता हूँ हर बार जब भी कबाब से रिलेटेड रेसिपी शेयर करता हूँ, जो बचा हुआ मैरिनेशन रहता है मसाला, उसको कुछ इस तरह से ये लगा लीजिए, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट तंदूर में डाल दें, आ जाइए यहाँ पर, इसको डाल देंगे रोस्ट करने, ठीक है। ताकि रोस्ट हो रहा है, हम चलते हैं उस साइड, आ जाइए। अभी सबसे पहले चिकन टिक्का मसाला बनाने के लिए क्या चीज़ें चाहिए हमें, है ना, सबसे बेसिक है टमाटो ग्रेवी एंड ऑनियन टमाटो मसाला। टमाटो ग्रेवी, ऑनियन टमाटो मसाला का भी मैंने वीडियो चैनल पे अपलोड किया हुआ है। येलो ग्रेवी, वाइट ग्रेवी, जितने भी बेसिक चीज़ें होती है इंडियन किचन या नॉर्थ इंडियन फूड के अंदर, वो सारी वीडियो मैंने अपलोड किया है मेरे यूट्यूब चैनल शेफ सुनील सिंह पे, तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कीजिए। मैं जस्ट बेसिक अला कार्ट बेस चिकन टिक्का मसाला कैसा बनाया जाता है वो आपको बता रहा हूँ, घर पे कैसा बनाया जाता है उसका रेसिपी आई थिंक अभी मैंने अपलोड किया नहीं, वेरी सून मैं अपलोड करूँगा। चिकन टिक्का मसाला की बात कर रहा हूँ मैं ना, चिकन टिक्का घर पे कैसे बनाए बिना ओवन का, ऑलरेडी वीडियो शेयर कर चुका हूँ, मे बी वन मंथ बिफोर ये सब किया हुआ हूँ। तो फिलहाल हम बता रहे हैं आपको अला कार्ट स्टाइल चिकन टिक्का मसाले की रेसिपी, तो चलिए शुरू करते हैं, आ जाइए। SS का ये पैन है जिसमें हम चिकन टिक्का मसाला बनाएंगे, उसका ध्यान देना होता है। सो सबसे पहले फायर को कर लेते हैं ऑन, ले लिया। इस स्टेज पे आप चाहिए तो अभी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑयल का इस्तेमाल, मैं सिंपली यहाँ पे जाऊँगा ऑयल के साथ। तो यहाँ पे तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दूँगा, इसको हल्का हीट होने दीजिए, थोड़ा स्लो कर लेंगे। सबसे बेसिक चीज़ जो इसमें जाएगा वो है चॉप गार्लिक, जी हाँ दोस्तों, चॉप गार्लिक डाला, अबाउट 1 चम्मच, थोड़ा सा जिंजर 1/2 चम्मच, मैं टीस्पून के हिसाब से यूज़ कर रहा हूँ, बट बेसिकली 2-2 चम्मच डाल रहा हूँ, तो कोई वांदे नहीं है। साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा ग्रीन चिल्ली भी डाल देंगे इसी। अब ग्रीन चिल्ली, अब स्पाइसीनेस आपको कम या ज़्यादा जैसा भी आपको लगता है उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। और इस स्टेज पे गैस की फ्लेम को कर देंगे ऑन और इसको भूनेंगे, है ना, कुछ इस तरह से भून लीजिए, अच्छे से भून जाएगा, हल्का लाइट ब्राउन हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें डालेंगे ऑनियन टमाटो का मसाला, तो पहले इसको भून लेते हैं। आप देख सकते हैं भून चुका है ना, इतना ये भून चुका है, अब कुछ अपने हीट में भून जाएगा। इस स्टेज में गैस की फ्लेम या तो बंद कर दें, स्लो कर दें। ये मेरे पास है ऑनियन टमाटो मसाला, इसका वीडियो ऑलरेडी मैं कह रहा हूँ चैनल पर अपलोड है, इसको थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे और उसके बाद अगेन इसको इस तरह से भून लेंगे, है ना दोस्तों, अच्छे से मिला लीजिए। तरह से मिलाने के बाद स्वाद अनुसार जाएगा नमक,
थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर, थोड़ा सा किचन किंग धनिया पाउडर, थोड़ा सा बिल्कुल नाम मात्र के लिए जाएगा इसमें जीरा पाउडर, है ना। फिर से इसको भून लेंगे। बेसिक सा कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर होता है ना, डैगी चिल्ली पाउडर, वो डाला है, उसे एक अच्छा कलर आया। फिर इसको थोड़ा सा, आप देख सकते हैं स्टेज में मैंने फ्लेम को थोड़ा स्लो किया हुआ है, इसको थोड़ा भून लीजिए। भूनने के बाद इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा पानी डाल दीजिए ताकि जले ना, थोड़ा ही डालूंगा। उसके बाद इसको फिर से मिक्स कर लीजिए, इस तरह से मिक्स कर लीजिए। अब स्टेज पे फायर को फुल कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से फुल कर लीजिए, इसको पकने दीजिए। साथ ही साथ पैडल को कीजिए क्लीन। अब इसमें जाएगा ये ग्रेवी, है ना, बेसिक टमाटो ग्रेवी है, इसमें काजू वगैरह डालते हैं तो इसको मखनी ग्रेवी भी कहते हैं, बड़े फिनिशिंग नहीं रहता है। साथ ही साथ जस्ट थोड़ा सा इसको फिर क्लीन कर लेंगे, थोड़ा सा टचअप येलो ग्रेवी का, जस्ट ए टचअप। ये तो स्किप भी कर सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, टोटली ऑप्शनल है ना। तो इस स्टेज पर इसको भून लेना है। अभी ये ऑलमोस्ट आधा सेट है, अभी जो चिकन टिक्का हमने लगाया हुआ था उसे चेक कर लेते हैं वो कुक हुआ कि नहीं। तो आ जाइए, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से, वैसे हाफ डन ही है बट नो प्रॉब्लम। इसमें थोड़ा सा बटर होल लगाएंगे, इस तरीके से बटर लगाया जाता है ना, कई बार वीडियो में बताया है। और फिर से इसको थोड़ी देर के लिए सेक लेते हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं। कुक हो गया है, ऑलमोस्ट 100% पकाने की ज़रूरत नहीं इसे, आप देख सकते हैं इतना भी पक गया बहुत है। अभी थोड़ा बहुत ही बची हुई कसर रहेगी, तो सीधा ग्रेवी में पक जाएगा। आ जाइए, ये हाफ डन से थोड़ा कुक है ना, ज़्यादा भी थोड़ा बहुत कच्चा है, तो जैसे कि मैं कह रहा हूँ ग्रेवी में डालेंगे तो डेफिनेटली ग्रेवी के साथ कुक हो जाएगा। तो इस स्टेज पे कुछ इस तरीके से आप चाहिए तो यहाँ पे अगेन बेसिक रूल है, आप इसको बाई टू कट भी कर सकते हैं, है ना, 1/2 भी कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल सिंपली भी इसको डाल दे रहा हूँ, जैसे कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। इसको मैं लैडल की सहायता से भी इस तरह से, आप नज़दीक लाइए जरा, इस तरह से भी काट सकते हैं, सी कुछ इस तरीके से। अभी होता क्या रनिंग में हम लोग इसे मार दे ना, कुछ ऐसे काट देते हैं या चलाते चलाते, जैसे ऐसे इसको रखूँगा तो भूनूंगा थोड़ी देर, ऐसे ऐसे इसको ऐसे मिक्स करता रहूँगा, है ना दोस्तों। अगेन थोड़ा सा पानी और डालूंगा, जैसे कि मैं कह रहा था ये कच्चा रह सकता है थोड़ा, इस तरह से पानी डाल दीजिए, फिर से इसको पकाइए। तो आप ये देख सकते हैं ऑलमोस्ट जो चिकन टिक्का है ये डन है ना। अब लास्ट फिनिशिंग में है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे इसी स्टेप में मालूम पड़ेगा हमारा चिकन टिक्का किस ओर जा रहा है। सो बेसिक थिंग यहाँ पर है क्रीम बटर जो भी यहीं पर डाला जाता है, यही फिनिशिंग स्टेज है। पहले एक राउंड इसको एक बार चेक कर लेते हैं, नमक मिर्ची, थोड़ा सा मिर्ची कम लग रही है, नमक भी कम लग रहा है। मैं जैसे ही कह रहा हूँ कि स्पाइसी डिपेंड करता है, तो सॉल्ट स्वाद अनुसार। थोड़ा सा यहाँ पे डाल दिया चिल्ली पाउडर, क्या थोड़ा इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके अगेन इस स्टेज पे, जैसे ही मैंने कहा बहुत सारे लोग शेफ लोग हनी भी डालते हैं, शुगर भी डालते हैं, फिलहाल मैं स्किप कर रहा हूँ एज सिंपल। मैं डालूँगा स्टेज पर थोड़ा सा जाएगा बटर, अभी इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे फिर से, ऐसा टेस्ट कर लेना है फाइनली नमक मिर्ची। बराबर है, इसमें जाएगा थोड़ा सा पिंच ऑफ कसूरी मेथी, थोड़ा सा जाएगा ये गरम मसाला पाउडर, एंड फाइनली जाएगा इसमें ये क्रीम। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट, 2-3 चम्मच जो भी है क्रीम डाल दीजिए, कम या ज़्यादा अपने हिसाब से। और थोड़ा सा डालेंगे इसमें अदरक के लच्छे, एज सिंपल। तो ये हो गया हमारा रशियन स्टाइल चिकन टिक्का मसाला, है ना। गैस को कर देंगे फ्लेम ऑन, थोड़ा हाई एंड पे कर लेंगे मिक्स मिक्स मिक्स। आप देख सकते हैं हमारा जो चिकन टिक्का मसाला है बनके तैयार हो चुका है ना। क्रीम डालने के बाद ज़्यादा देर पकाना नहीं होता इसको, नहीं तो क्रीम जो है ऑयल छोड़ अभी बंद कर लें। अभी आप चाहिए तो थोड़ा सा इसमें घी और मार सकते हैं या बटर मार सकते हैं, ऐसा एज सिंपल, जस्ट फ्रेगनेंस आ जाए एक अच्छा सा बढ़िया सा। तो इस तरह से ये मिक्स हो चुका अच्छा सा, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन टिक्का मसाला, ट्रू इंडियन स्टाइल, है ना। इसको किसके साथ इंजॉय किया जाए,
बटर नान, गार्लिक नान, वट एवर ब्रेड यू लाइक। आज बटर नान का एक वीडियो बना लेता हूँ, साथ में बहुत ही बढ़िया कम्बिनेशन है बटर नान के साथ, थोड़ा सा मेथी है, जो फ्रेश मेथी रहता है ना उसको इस तरह से फ्राई किया रहता है, ये आप देख सकते हैं ना, तो इसको उसके अंदर डाल के इसका एक बढ़िया सा नान बना लेंगे। तो चलते हैं अभी तंदूर के साइड, आ जाइए शेफ। तो यहाँ पे दो बेसिक नान के पेड़े हैं, रख दो इधर, पेड़े हैं ना नान के, पहले से मार के रखने होते हैं ताकि ये जब पेड़े मार के हम छोड़ते हैं ना तो लूज़ हो जाता है, अदरवाइज टाइट रहता है तो मारने में दिक्कत होता है, यानी कि रोटी नान मारने में दिक्कत होता है ना। तो बेसिक मैदे का जो डो है उसका भी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है चैनल पे, अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा तो उसे भी ज़रूर एक बार चेकआउट कीजिए। तो ये मैदे का पेड़ा है, इस तरह से इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, काफ़ी बेसिक है। अब इस तरीके से इसको फैला लीजिए, है ना। बेसिक से मैं एक फोल्डिंग नान बना रहा हूँ, बटर नान जो होता है ऐसा लिया, ऐसा मारा। अब देख सकते हैं यहाँ पे मैदा है, मैदा को ऐसा डाल दीजिए, उसके बाद यहाँ पे लगा लीजिए ऑयल या बटर और इस तरीके से ऐड कर लेके इसी इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करने के बाद इसको फिर से ऐसे प्रेस कर लीजिए, इसमें फिर से थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए, फिर से इस तरीके से मैदा, सूखा मैदा अंदर लगा लें ताकि इसकी लेयरिंग है वो बराबर खुल के निकले। ये हो गया सेट। दूसरा जो मैं कह रहा था, अगेन बटर नान ही है, सिंपल सा वही है, सेम पेड़ा मार रहा हूँ मैं। इस तरीके से फैला लीजिए, और आपको लगता है कि हाथ से नहीं हो पाता है तो आप बेल के भी बना सकते हैं ना। अब इस स्टेज पे जैसे ऐसा फैला लिया, ये मेथी पड़ा हुआ है, मेथी को चूर करके इस तरीके से फैला लिए, ठीक है दोस्तों, ऐसा ऐसा फैला के इसको लगा लीजिए। इसमें ऑयल भी है ऑलरेडी, और अगेन इसको उठा लूँगा, अब ऐसा इसमें लगा के इस तरीके से इसको फोल्डिंग कर लेंगे। सेम है यहाँ पे भी, थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे या बटर लगा लेंगे, फिर अगेन इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। थोड़ा बचा हुआ मेथी है उसको भी यहाँ पे ऐसे चिपका लेंगे। तो आप देख सकते हैं एक बढ़िया सा फ्लेवरफुल नान होता है मेथी का, बहुत ही बढ़िया कम्बिनेशन है, चिकन टिक्का मसाला के साथ बहुत बढ़िया जाता है। अब थोड़ा सा मैदे को पहले यहाँ से ऐसे डस्ट कर लीजिए, सूखा मैदे को, पेड़ों को रख लेंगे यहाँ पे ऐसा। तो सबसे पहले जो प्लेन वाला बटर नान है वो लगा लेते हैं। तो पहले तंदूर को खोलेंगे, डस्टर की सहायता से कुछ इस तरीके से एक बार इसको वाइप कर लेंगे, है ना, तो जो राख वगैरह उड़ के मटके पे चिपका रहता है ना वो निकल जाएगा, इस चीज़ का ध्यान देना होता है। अब ये पेड़ा लिया, पेड़ों को सिंपली इस तरीके से फैलाना होता है। तो ये त्रिकोण वाला नान बन रहा है, ये अपना नॉर्थ इंडियन साइड काफ़ी ज़्यादा चलता है, सो काफ़ी बढ़िया होता है एकदम, क्या बोलते हैं इसको, क्रिस्पी खास्ता टाइप का एक नान, फ्लेकी नान बोलते हैं ना जिसे, इस टाइप का ये बनता है। ऐसा लिया, फैला लिया, बहुत सिंपल। उसके बाद इसको ऐसा ये मारा, तीनों कोनों को छटका के, अब गद्दी थोड़ा बढ़िया होना चाहिए, अगर बड़ी गद्दी रहेगी तो बड़ा नान मार सकते हैं। ये दोनों चीज़ों को इस तरीके से एक बार सेट कर लिया, उसके बाद ऐसा खींचना है। अब खींचने के बाद आप देख सकते हैं ये मारा, यहाँ चिपकाया, यहाँ चिपकाया, है ना, तो आप देख सकते हैं ये नान परफेक्ट चिपक गया। सी इसी तरीके से दूसरा भी लगा देते हैं, थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट करेंगे, फिर इसको थोड़ी देर इस तरीके से फैला लेंगे, जैसे ये फैल जाएगा फिर इसको भी ऐसे छटका लेंगे। ये मेरा तरीका है, जो तरीका आपको आता है उस तरीके से आप नान बना लीजिए, इस तरीके से इसमें लगा लेंगे। आ जाइए इस साइड से, आ जाइए, अभी मैं जो है इस साइड लगा रहा हूँ, तो इस तरीके से यहाँ पे देखो ऐसा लगाया, ये लगाया, ये लगाया, सी आप देख सकते हैं, ये लो चिपका देना है। दोनों नान लग चुके हैं बढ़िया से, अब टेम्परेचर है बराबर मेंटेन किया हुआ है ना, एकदम हाई टेम्परेचर रहता है तो नान क्या होता है, नान या ब्रेड क्या होता है, बाहर से तो लगता है कि पक गया, कलर आ जाता है उसमें, पर एक्चुअल में वो अंदर से पूरा वो ना कच्चा कच्चा सा रहता है मैदा, तो इस तरह से कभी निकले तो इस चीज़ का ध्यान दें, इस तरीके से चिपका दें उसको उसी मैदे से, है ना। तो आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया सा फ्लेकी नान बन के हमारा तैयार हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे ये बटर भी पहले तैयार है हमारा, तो यहाँ पे वाइप कर लेते हैं,
जैसे ही नान बन जाएगा एक बास्केट में वो लगा के दो, आप ही लगा लो ना, कोई बात नहीं चले। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये नान जो है एकदम क्रिस्पी करारा होके आ रहा है, क्योंकि जब भट्टी का टेम्परेचर है वो हमने मेंटेन किया हुआ है ना। तो एक बार मैं निकाल के दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं आप, ये लो जी, एक बार आप देख सकते हैं ये बटर नान बन के तैयार हो चुका है ना, एकदम बढ़िया सा। साथ ही साथ दूसरा भी दिखा लेता हूँ, एक नान ये है तो दूसरा नान बनने जा रहा है, एक बार दिखाइए। ये देखो इसमें भी कलर आ चुका है, थोड़ा ये साइड लाइटिंग का इशू आ रहा है, शायद बराबर दिख नहीं रहा होगा इसमें। तो इस तरह से ये भी आ गया, अब इसको भी निकाल लेंगे, इस तरीके से निकाल लें, इस तरीके से इसको एक बार थोड़ा देख लें जिस साइड से कच्चा है। अभी एक बार आगे चलो, यहाँ पे इसको ऐसा निकाल लें। ये हो गया हमारा मेथी वाला नान, ये हो गया बटर नान, है ना। तो अभी देखो जो मैं बेसिक जो बताना चाह रहा था आपको, ये है, ये खुलता है ना ऐसा, और पीछे से भी दिखा लेता हूँ कि कुछ ऐसा जल रहा है हल्का सा, बट नो प्रॉब्लम, इतना चलता है, एकदम काला नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से ये भी देख सकते हैं आप, पीछे का साइड आगे का साइड जला नहीं है ना, क्योंकि हमने तंदूर का जो टेम्परेचर है बराबर मेंटेन किया। अब इसमें लगाना है बटर, अब बटर आप ज़्यादा खाते हैं तो इस तरीके से खोलिए, अंदर भी लगा लीजिए, है ना। बट मैं सिंपली फ़िलहाल इसको ऐसे ही लगा रहा हूँ ऊपर से, फिर भी दिखाने के पर्पज़ से आप देख सकते हैं, ये खोला, इसमें भी इस तरीके से अप्लाई कर लेंगे बटर। अगर ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा लगाइए, कम खाते हैं तो कम लगाइए। अब काटने के तरीके अलग अलग हैं, आप चाहिए तो सिंपली इस तरीके से स्ट्रेट काट लिए, 1/3 ऐसा भी कर सकते हैं, या तो डिजाइन में होता ना कुछ, आधा इधर से काटा आधा इधर से काटा और ऐसा काटा, तो ये भी हो गया ना एकदम लंबे लंबे नान। अब दो बास्केट लेंगे, एक बास्केट में बटर नान जाएगा, एक बास्केट में ये हो गया आपका मेथी नान। उम्मीद है आप लोगों के दोनों ही ब्रेड की रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होंगी। तो चलिए चिकन टिक्का मसाला है उसे चेक कर लेते हैं। ब्रेड में यहाँ पे रख लेता हूँ, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि चिकन टिक्का मैंने ऐसे छोड़ा हुआ था क्योंकि ब्रेड भी बनाना था, है ना। तो इसको एक बार फिर से गर्म कर लेंगे, तो आप देखेंगे एक बार नज़दीक आ जाए, सिंपली मिक्स करेंगे। आप देखो बनाया तो हमने, वीडियो बना के रखा है। आप इस स्टेज पे चाहिए तो थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल सकते हैं, इसे जस्ट फिनिशिंग में पहले डालने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा ज़्यादा या कम भी डाल सकते हैं। अभी गैस की फ्लेम कर दीजिए बंद। अब एक पोर्शन बोल लेता हूँ मैं गर्मा गर्म चिकन टिक्का जो है, और ये काम करते हैं चिकन टिक्का को ना एक कढ़ाई में डाल देते हैं, है ना। तो यहाँ पे मेरे पास एक कढ़ाई है, कढ़ाई से रिलेटेड जो भी आता है, तो फिलहाल सिंपली इसमें डाल देंगे चिकन टिक्का के पीसेस, ये डाल दिया, खाना तो अपने को ही है अभी। तो इस तरीके से डाल दीजिए पीस पीस, ग्रेवी ग्रेवी जो भी आपको डालना है, एक बार इस तरीके से डाल दिया। देन गार्निशिंग में सिंपल सा जाएगा इसमें क्रीम, थोड़ा अदरक के लच्छे, बहुत ही बेसिक गार्निशिंग होती है। थोड़ा सा डाल देंगे इसमें हरा धनिया, या तो पत्ते डाल दें या तो चॉप किया हुआ था, इस तरीके से डाल दीजिए। ये हो गया आपका नॉर्मल चिकन टिक्का मसाला रेस्टोरेंट स्टाइल, ये चिकन टिक्का मसाला हो गया, ये मेथी बटर नान हो गया एकदम फर्स्ट क्लास क्लासिक, समथिंग न्यू बताया मैंने आपको। कल जो ये नान मैंने आपको बताया यहाँ पे, इसके अंदर एक बहुत ही बढ़िया बाइट आता है, वो मेथी का जो एक फ्रेगनेंस रहता है ना, तो उसका एक बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आ जाता है दोस्तों। आपने मेथी पराठा ट्राई किया होगा घर पे ऑफकोर्स, तो वैसे ही कुछ ही है, फिर भी मैं एक बाइट ले लेता हूँ। मैं खुद ज़्यादा बड़ा फैन नहीं हूँ मैदे का या नान वगैरह का, तो इस तरीके से ले लीजिए। सो डिलाइटफुल, एक बाइट और ले लेता हूँ, इस बार एक बार पीस का ले लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं,
अक्सर आपने रेस्टोरेंट में बटर चिकन खाया है, चिकन टिक्का मसाला खाया है, पनीर बटर मसाला खाया, नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट के अंदर काफ़ी कॉमन है। और उसके साथ जो बेस्ट ब्रेड का कम्बिनेशन है, गार्लिक नान, बटर नान, मोस्टली यही चलता, लच्छा पराठा, तंदूर रोटी। हैव यू ट्राइड एवर दिस थिंग? क्या आपने कभी ये इस टाइप का नान ट्राई किया? अगर नहीं किया तो डेफिनेटली घर पे जरूर ट्राई कर सकते हैं। तो वैसे घर पे तो बनता ही है मेथी का रोटी वगैरह, है ना, तो उसका एक बढ़िया सा जो टेस्ट रहता है, सो वो डेफिनेटली ये चिकन टिक्का मसाला बटर चिकन के साथ बहुत बढ़िया कम्बिनेशन जाता है गाइस, बिलीव मी, मैंने ट्राई करके दिया है, देखा है। सो हमने इसको अपने मेनू में ऐड किया है, तो वन ऑफ द सिग्नेचर ब्रेड में अभी है मेरे रेस्टोरेंट में। अगर कोई चिकन टिक्का मसाला है, बटर चिकन, नॉर्थ इंडियन ग्रेवीज में कोई भी डिश ऑर्डर करता है तो डेफिनेटली जो हमारे सर्विस टीम है तो वो उन्हें परफेक्ट करते हैं। आप हमारे यहाँ का मेथी बटर नान जरूर ट्राई कीजिएगा, और डेफिनेटली इसका जितना भी रिव्यू है काफ़ी पॉजिटिव है। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपको भी चिकन टिक्का मसाला तो काफ़ी बेसिक है, बहुत सारी रेसिपीज आपको मिल जाएंगी, इवन मेरी खुद की ये तीसरी रेसिपी बन रही है रेस्टोरेंट स्टाइल में, है ना। तो वो रेसिपी का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इस डिश में जो भी चीज़ें या ग्रेवीज हमने इस्तेमाल किए हैं उस सब के जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ऑलरेडी बना के पहले से मैंने रखा हुआ है, बेसिक रेड मसाला था, बेसिक चिकन टिक्का है, उसका भी रेसिपी शेयर किया हुआ है। बट जो मेन थिंग था ये जो ब्रेड है जो आपको दिखा रहा हूँ ना, ये ब्रेड मेथी नान, जिसे मेथी नान कहते हैं, आप देख सकते हैं दिखने में भी कितना प्यारा लग रहा है, उतना ही बढ़िया इसका टेस्ट भी है दोस्तों। इसका अगर अभी तक आपने किसी डिश के साथ कम्बिनेशन नहीं किया है तो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, फ्लिप में आप फुली सेटिस्फाई होंगे। चिकन टिक्का की रेसिपी साथ में जो ये नान शेयर किया था मैंने, मेथी नान से भी जरूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, यही मेरा रिक्वेस्ट रहता है। ऑफकोर्स आपको मेरा रेसिपीज वगैरह पसंद आती है तो आप चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही सकते हैं। रेसिपी से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन या डाउट रहता है इंस्टाग्राम पेज है, तो आप वहाँ पे जाके मुझे डायरेक्ट DM करके 1-to-1 कम्युनिकेट कर सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चन आप करें तो वहाँ पे आप बेहिचक मुझसे जुड़ सकते हैं दोस्तों। सो दूसरा एक प्रॉब्लम आ रहा है आजकल जो मेरा पेज है इंस्टाग्राम पेज पे, यू नो, तो उसमें मेरे नाम से फेक अकाउंट बनाया जा रहा है, प्लस आप लोगों से डिमांड की जा रही है कि भाई मुझे पेमेंट चाहिए, मनी से रिलेटेड कुछ भी। तो मैं आज भी आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ, जो मेरा इंस्टाग्राम ID है वो सिंपल है, shape.sunil.singh है, वो मेरा ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज है। 1-to-1 जो भी मेरे साथ कम्युनिकेशन आपका होना होगा वहीं पे आपको रिस्पांस दे पाऊँगा। प्लस मेरा जो YouTube का जो अबाउट सेक्शन रहता है ना, उसमें भी मैंने अपना एक gmail ID मेंशन किया हुआ है। आपको मेरे साथ कम्युनिकेट करना हो डायरेक्ट मेल करके भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, या कुछ भी आपको हेल्प चाहिए हो रेस्टोरेंट ओपनिंग से रिलेटेड, फ्यूचर में कुछ प्लानिंग रहे, आप एज ए एम्प्लॉयर हो और आपको हायरिंग करनी है, स्टाफ चाहिए हो, या मेरे से रिगार्डिंग कोई कंसल्टेंसी चाहिए हो किचन से रिगार्डिंग, मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकते। सो थैंक यू सो मच, उम्मीद है आप लोगों की रेसिपी जरूर पसंद। थैंक यू।